हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। जैसा कि गर्मी अभी एकदम अपने चरम पे है और इसमें लोग कूलर ढूंढते हैं कि यार कूलर मिल जाए, जो कि एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो कूलर ही अफोर्ड करना चाहेंगे कि यार चलो एक कूलर ले लेते हैं ऐसा, जिससे एटलीस्ट वो रात में सो सके और गर्मी से राहत पा सके। यार तो ऐसे में ना सबसे ज्यादा कूलर जो बिकता है या लोगों को यकीन रहता है वो रहता है सिम्फनी पे। सिम्फनी एक बहुत ही बड़ी मार्केट है इंडियन मार्केट, और सिम्फनी के कूलर सबसे ज्यादा बिकते हैं और लोगों को उस पर यकीन भी रहता है। जो दिखता है वो बिकता है, पर एक और चीज़ है सिम्फनी में जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कंपनी ने अगर कोई चीज़ बना दी है तो वो परफेक्ट भी हो, और हाँ ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफेक्ट चीज़ें नहीं बनाई हैं, परफेक्ट भी बनाई हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बन जा रही हैं जो कि मतलब किसी भी लायक नहीं है, उन्होंने मार्केट में डाल दिया है। बट हाँ, मैं उस चीज़ों को मना भी करूँगा और मैं बताऊँगा भी कि क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए उनके कूलर, कौन सा कूलर आपको लेना सही रहेगा कौन सा नहीं, क्योंकि कूलर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मेंटेनेंस वाला चीज़ भी देखते हो, बहुत लोग बस गए कूलर खरीद लिए हाँ चलो चलेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कूलर लेते हो तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, और इस वक्त पैसे की वैल्यू भाई मतलब समझ लो, महंगाई है तो कहीं ना कहीं वो कचोटती है। तो आप चाहोगे कि कूलर हमारा अगर है तो कम से कम 3-4 साल चल जाए, बढ़िया से चल जाए, अगर सपोज़ कुछ डिस्टर्ब होता है तो मैं उसको कम खर्च में मेंटेन भी कर लूँ। ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है, ऐसे नहीं बस गए मुंह उठा के कूलर खरीद लिया। तो मैं देखो अभी तो मेरे पास कूलर है नहीं, मैं आपको सीधा सिम्फनी के वेबसाइट पे ले जाऊंगा और उसके थ्रू बताऊंगा क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप बढ़िया से देखना प्लीज़, आराम से एकदम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक मारिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारिएगा, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया से सोच लेना मेरी जानकारी अच्छी है कि नहीं है। चलिए चलते हैं सिम्फनी के वेबसाइट पे। तो ये रहा सिम्फनी का वेबसाइट, मैंने पहले ही ओपन कर रखा है। तो सिम्फनी के चीज़ में ना एक कैटेगरी आती है, सीधा आता है पर्सनल कूलर। तो पर्सनल कूलर का मतलब है कि एक सिंगल पर्सन के लिए है। तो सपोज अगर आप शॉप वगैरह पे हो, या फिर जैसे मैं अपने यहाँ पे अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे एक सिंगल सिर्फ हवा खानी है, क्योंकि पर्सनल कूलर बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटी, तो आप वो ले सकते हो अपने लिए। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक सिंगल पर्सन के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप ये कूलर ले सकते हो जो कि क्विट 8 पावर पर्सनल टेबल एयर कूलर है। ये इस तरह के कूलर्स ले सकते हो, इनमें क्या कहते हैं जो फैन होती हैं वो छोटी होती हैं। और जो मैं मना करना चाहूँगा, आप ये टावर कूलर है प्लीज़ मत लेना, मैं सीधा बता दे रहा हूँ मत लेना, पछताओगे। इसमें जो ब्लेड लगी रही वो छोटी सी लगी रहती है और घूमते रहते हैं, जिसके वजह से मतलब ब्लोअर होता है वो। तो प्लीज़ ब्लोअर वाली कोई भी चीज़ मत लेना, ऐसा नहीं है हर ब्लोअर वाली चीज़ें ख़राब होती है, मैं आगे बताऊंगा। इसी में है बहुत सारी ब्लोअर वाली चीज़ें। तो ये टावर वाले जितने चीज़ें हैं इग्नोर मारना, ये आप ले सकते हो, ये आप मैं मना करूँगा सीधा, भाई मत लेना यार प्लीज़। ब्लोअर लगाए इसमें भी लगाए मत लेना, और ये सबसे वाहियात प्रोडक्ट है इनका, सच बता रहा हूँ, मत लेना कतई पछताओगे। कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का एसी की तरह बनाया है, कोई मतलब नहीं है यार, फालतू फालतू है, सिर्फ पैसे लगेंगे, 12,000-13,000 का है, कोई मतलब नहीं है। और अभी देखो ये रहा विंडो, इसको मतलब जो एसी के मॉडल में आता है विंडो कूलर बोलते हैं इसको, तो इसको भी मत लेना यार प्लीज़, इसमें भी ब्लोअर लगता है। आप ना इसको सिर्फ एक सीज़न चला पाओगे, अगले सीज़न ये जाम हो जाएगा, कोई कैसे इसमें जंग लग जाती है। इसमें सिस्टम ऐसा होता है कि इसमें अलग से पंप वगैरह नहीं लगी रहती है, वो जो मोटर जो ब्लोअर चलता है उससे ही पंप इजेक्ट करता है पानी और फेंकता है, और इसमें वैक्यूम बहुत तेज़ बन जाती है, और इसमें जो रॉड लगी रहती है ना वो पानी में डीप रहती है, जिसके वजह से रॉड धीरे धीरे पानी वो पकड़ लेता है और पूरा रॉड जाम हो जाता है। तो आप सिर्फ एक सीज़न चला पाओगे, उसके बाद नहीं चला पाओगे, खुद कहोगे यार क्या ले लिया मैंने, नहीं हो पाएगा, सच बता रहा हूँ। बाकी आप इस तरह के कूलर ले सकते हो जो छोटे ऐसे दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें लगे रहते हैं फ़ैन, ये मत लेना आप, ये आप ले सकते हो, इसको मैं बढ़िया कहूँगा। प्लीज़ विंडो का कोई भी कूलर मत लेना भाई प्लीज़, मेंटेनेंस बहुत बेकार है, एक बार खुल गया तो ख़राब। तो यहाँ आप देख सकते हो पर्सनल कूलर में बस कुछ ही कूलर है जो आपको लेने लायक है, बाकी सब ब्लोअर वाली हैं, प्लीज़ मत लेना। अगर आपको सिर्फ एक पर्सन के लिए लेना है तो ले सकते हो, बाकी ये आपके घर के रूम वूम के लिए नहीं है, बना नहीं है, सिर्फ ऑफिस में एक पर्सन के लिए बना हुआ है, वो ले सकते हो। तो मैंने बता दिया आपको टावर और विंडो और ये इस तरह के कूलर नहीं लेने हैं, बिल्कुल छूना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है।
चलो अब आगे चलते हैं इनके दूसरे वाले चीज़ पे। तो अच्छा करा इन्होंने कैटेगरी बना के रखा है। अब आगे टावर कूलर पे। तो टावर कूलर में आप समझ लो पिछले वाले में भी मैंने बताया टावर कूलर्स आपको लेने नहीं है। तो देखो मैं ऊपर की ये सारे कैटेगरी हैं, आप वेबसाइट जाके चेक करो मैं सैम्पनी का एकदम बका दूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप ये ऊपर के बिल्कुल कूलर नहीं लेने हैं। कुछ भी दे दे इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दिया है, कुछ नहीं लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मत लो। आप पर्सनल कहीं भी लगाना हो, पतले जगह में भी लगाना हो, प्लीज़ मत लो। अब आ जाते हैं ये स्ट्रॉम डेजर्ट। ये इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं, तो एक मॉडल ये है और एक मॉडल ये है। तो इसमें ब्लोअर लगे रहते हैं, तो अगर आपको लगाना है तो आप ये बड़े कूलर लगा सकते हो, क्योंकि देखो जितना साइज़ बड़ा रहता है उसको मेंटेन करने में भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर 70 लीटर पानी आता है और सबसे ज़बरदस्त। तो टावर कूलर में मैं सिर्फ ये दो ही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप खरीद सकते हो, एक ये और एक ये। ये भी स्ट्रॉम का मॉडल है 70i और ये एक है 70XL। तो ये दोनों आप ले सकते हो टावर कूलर के लिए। तो अब आप कहोगे कि कितने पर्सन या कितने बड़े रूम के लिए, तो 10x10 के लिए आप ले सकते हो दोनों को। इसको आप कई सारी चीज़ों से रिमोट कंट्रोल वगैरह से कर सकते हो, ये मैनुअली है दोनों सेम, ठीक है। थोड़ा सा दाम का भी इधर उधर है सिर्फ रिमोट वगैरह की वजह से। और क्या ज़रूरत है रिमोट का यार, मैनुअली लो यार, पैसे बचाओ। 12,000 का पड़ेगा ऐसे, 12,500 का सबसे मस्त है, कोई दिक्कत की बात है। हाँ बस इसको थोड़ा मूव ऑफ करना थोड़ी दिक्कत की बात है, तो आप इसको कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप ऐसी जगह लगाओ ज़्यादा मूव ऑफ ना करना पड़े, खिड़की के पास बस रख दो। कभी भी कूलर आप प्लीज़ खिड़की के पास ही लगाना, उसको कहीं और मत लगाना। बीच में कहीं रख दोगे कोई मतलब नहीं है, कूलर ही मत लगाओ फिर। जब कहीं और रख दोगे खिड़की के पास नहीं रखोगे तो कूलर लगाने का कोई मतलब नहीं है, मत लगाओ। इससे बढ़िया सोचो ही मत कूलर के बारे में। कूलर लगाना है तो प्लीज़ खिड़की के पास लगाएं। तो आप ये ले सकते हो 10x10 रूम के लिए। इनका एयर फ्लो बहुत तेज़ है, कत्ते आपको मज़ा आ जाएगा अगर इसका एयर फ्लो लेंगे तो। टावर कूलर में मैं सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग 70i ही रिकमेंड करूँगा, और कोई नहीं, सब फालतू है। अब आ जाते हैं डेजर्ट कूलर पे। डेजर्ट कूलर में हमारे सब काम के कूलर हैं, मतलब कुछ नहीं भी हैं। तो जब अभी आया एक ठो सोमो 75XL, तो आप ये ले सकते हो। देख रहे हो उधर 12,000 के साल कूलर पड़ रहे हैं, सॉरी फॉर बैड वर्ड, उधर जो कूलर पड़ रहे हैं भाई, ये सब लेने लायक है। इस सब से एयर फ्लो मिलेगा, छोटा कंप्रेस कर दो, दाम ज़्यादा ले लो, कोई मतलब नहीं है भाई, क्या फ़ायदा है। तो इस सब कूलर से क्या कहते हैं, आपको अच्छी हवा मिलेगी। तो आप ये ले सकते हो सोमो 75XL, और ये 75 लीटर का इसके साथ आता है यार, इसका टैंक जो आता है, और गजब का एयर फ्लो है। आप इसको बड़े रूम में भी लगा सकते हो, थोड़ा आप जा सकते हो ज़्यादा, 10x10 के आप 12x12 भी होगा या क्या कहते हैं 14x14 की भी होगी तो ये चल जाएगा। ये कूलर बहुत ही बेस्ट चलेगा। और आप अगर चाहो अपने पर्सनल कमरे के लिए, डबल बेड वगैरह का है तो आप उसमें भी लगा सकते हो, तब तो हवा ही हवा है, आप वो ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो सुमो 70XL, आप इसको भी ले सकते हो। कत्ते इसका वहाँ खाओगे ना, आपको इसके पास चिपक के बैठ गया तो भाई एकदम ठंडा हवा। तो अब ये आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, सोचना भी नहीं। ये आप वहाँ उस जगह के लिए भी ले सकते हो थोड़ा, लेकिन ये भी आपको ना छोटे रूम के लिए पर्सनल, एक सिर्फ इसको आप एक आदमी के लिए ले सकते हो। उतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि एयर फ्लो इसका है, इसका एयर फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ तो मत लेना। और इसमें पानी भरने की बहुत दिक्कत होगी आपको, मैं पहले बता देता हूँ। इसके लिए आप लोग डायरेक्ट इसके साथ टंकी कलेक्ट करके रखना पड़ेगा पाइप, ताकि वो बार बार भरता रहे। तो ये ऑफिस वगैरह के लिए, अगर खिड़की ऊपर है बाहर लगाना चाहते हो ना तो आप इसको लगा सकते हो, या खिड़की ऊपर है तो अंदर ही करके थोड़ा सा लगा सकते हो। तो ये दो तीन आदमी के लिए, लेकिन ये ऑफिस के लिए ज़्यादा बेस्ट मैं मानूंगा, वहाँ काम चल सकता है, घर के लिए नहीं। ये आप ले सकते हो घर के लिए, अगर आप चाहते हो सिर्फ स्टैंड उठा के रखना, ये ले सकते हो। ये 70 लीटर का आता है, बेस्ट है, आप ये लगा सकते हो अपने लिए, अपने रूम में लगा सकते हो, बेडरूम के लिए लगा सकते हो। फिर आ गया वही स्ट्रॉम आ गया, तो मैं स्ट्रॉम के बारे में बता चुका हूँ, स्ट्रॉम का तो भाई जवाब ही नहीं है। अब आ गया आपका ये सिस्ता, ये भी क्या कहते हैं 70 लीटर्स में आता है, और ये भी ज़बरदस्त कूलर है, ज़बरदस्त। आप अगर क्या कहते हैं कहीं बैठते हो सोफे वगैरह पे बैठ के टीवी वो भी देखते हो, काफ़ी फैमिली बैठती है, तो आप वहाँ लगा सकते हो उसको, एकदम मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप ये भी ये मत लेना यार प्लीज़, मैं इसको मना करूँगा सॉरी। इसमें पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पानी ख़त्म हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, ये भी मैं मना करूँगा। हाँ एक ये है, आप इसको भी लगा सकते हो, 80 लीटर्स में आता है और ये भी ज़बरदस्त कूलर है और ये इसका व्हील पे आती है, आप इसको कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको भी लगा सकते हो, अपने बेडरूम के लिए भी ले सकते हो, बेस्ट एक बेडरूम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बचा ये कूलर, पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं। अब डबल डेकर बना दोगे, डबल डेकर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर कंप्रेस ज़्यादा करेगा क्या, मतलब कुछ 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 मुझे ऐसे कुछ साइंटिफिक चीज़ें कुछ समझ में आए भाई। दाम 20,000 रुपये, कोई मतलब का नहीं है, प्लीज़ मत लेना। अब इसको खिड़की के पास भी नहीं रख सकते हो, इतना ऊंचा खिड़की कहाँ रहेगी भाई, किसके यहाँ है। अच्छा ठीक है, सपोज़ हो भी गया, बड़े लगा सकते हो, हाँ हमको बहुत चूल्हे हम ले सकते हैं यार, इतने पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू है, मत लेना प्लीज़। हाँ बहुत लोग कहेंगे बड़ा रूम होगा हम उसमें लगा सकते हैं, तो यार प्लीज़ मत लगाओ, अगर इतना ही चूल्हे ना इसको लेने का, तो सही बता रहा हूँ, आपको लेना हो तो ये स्ट्रॉम ले लेना, काम हो जाएगा, स्ट्रॉम ले लेना, स्ट्रॉम का जो दूसरा मॉडल था, काम हो सकता है, कूलर पास में ही रखोगे, दूर नहीं रखोगे। और उससे भी ज़्यादा अगर सबसे बेस्ट उपाय मैं बताऊँ, अगर तुमको लगाना ही है नहीं, ये 20,000 रुपये नहीं लगेंगे, सबसे सस्ता उपाय मैं बताऊँगा, मार्केट में जाते हो ना जो टीन वाले बेचते हैं लोग, उनको क्या करो, एक चीज़ जाके ऑर्डर दे दो। देखो मैं पहले से खोल के रखो, मैं तैयार था इस चीज़ के लिए। ऑर्डर क्या देना है, 18 इंच की ना एग्जॉस्ट फैन आती है, ये है क्रॉपटन की 18 इंच की एग्जॉस्ट फैन, देख लो सिर्फ 4,700-800 रुपये का है, ये ले खरीद लो, ये खरीद लो एग्जॉस्ट फैन, इसकी एयर फ्लो इतनी तेज ना कि तुम्हारा ये जो कूलर है फेल हो जाएगा उसके सामने, सीधा बता रहा हूँ। इसको लेके जाओ, कहो कि भैया इसके साइज का कूलर बना दो, वो बंदा बना के तुमको दे देगा पक्का, अगर नहीं है उसके पास पहले से मजबूत होगा तो ये लगा के दे देगा भाई, वो टीन वाला लाओ एक नंबर काम करेगा, नहीं तो फैशनबाजी कर रही है तो यही ले लो चौपड़ सा प्रोडक्ट, मैं भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, डबल डेकर बनाने का कोई मतलब नहीं है यार। और ये जाओ कस्टम बनवाओ, अगर बड़े रूम में लगवाना है अपने हिसाब से टंकी उसकी बड़ी करवा लो, उसके अंदर हनीकॉम लगवानी है हनीकॉम लगवा लो, और सबसे बेस्ट बात कि ये क्या कहते हैं क्रॉपटन का है तो यार इसमें नॉइज़ उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्रॉपटन की चीज़ है, अगर नॉइज़ ज़्यादा आ रही है तो काम कर सकते हो। इसके ऊपर जो फ्रंट में ये लगा हुआ है ना, ये शायद तुम देख पा रहे हो, जो आगे इसका ये लगता है क्लैंप बोलते हैं इसको, क्लैंप पे आप फोम लगवा सकते हो, रबड़ लगवा सकते हो, जिससे क्या होता है इसके अंदर वाइब्रेशन कम होगा, कम होने की वजह से आवाज़ नहीं आएगी, और आती ही नहीं है यार, फोम लगवा दो रबड़ लगवा दो नहीं आएगा आवाज़, बहुत लोग कहते हैं आवाज़ से प्रॉब्लम हो जा सकती है, भाई नहीं आएगा, लेना होगा तो क्रॉपटन का ये लगवा लेना है एग्जॉस्ट फैन, बहुत मस्त चलेगा, और टीन के उसमें तब एक नंबर, और बताना सच बता रहे हो, जिनके पास होगा यार वो कमेंट करके बता रहा है कि अगर ऐसा आप लगवा रखे हो ना तो बताओ कितना मज़ा आता है, और इस चीज़ को अगर आप अपने पर्सनल रूम में लगवा दोगे कत्ते ही बता रहे हो 2 घंटे बाद ठंड लगने लगेगा। अब आ जाते हैं इस वाले पे, तो ये भी ठीक ठाक है, आप ऐसे लगा सकते हो, मैं मना करूँगा रूम में मत लगाना, रात में उठ कर पानी भरना पड़ेगा, कौन भरना चाहता है। आप ये ले सकते हो, तो ये 1% के लिए मैं बोलूँगा कि है, ये ज़्यादा लोगों को लगाने के लिए नहीं है, और प्लीज़ महंगा है तो मत लेना यार, महंगी चीज़ें लेने से कोई मतलब नहीं है, जब हमारे लिए वो काम ही नहीं करेगी, और इसमें हनीकॉम है ही नहीं तो क्यों लो फालतू, ये भी मत लो। और ये कूलर एक रहा यार, ये भी इसको डेजर्ट कूलर क्यों बोलते हैं, अबे फालतू गिरी है यार, ये सच्ची में सबसे फालतू प्रोडक्ट है यार, ये प्लीज़ मत लेना यार, मेरे को सही बता रहे कहीं कंपनी वाले साला मेरे वीडियो पे जाके वो मत कर दे कि बुराई भी कर रहा है, पर यार तारीफ भी कर रहा हूँ, जो चीज़ें सबसे अच्छी हैं वो अच्छी हैं, तो ये कूलर बिल्कुल मत लेना। इसमें फलान ताम झाम दे रखा है, रिमोट ले लो, ये है वो है, टच स्क्रीन है, सब वो है, ढोंगेबाजी है, प्लीज़ मत लेना। अब ये एक रहा आपका, तो प्लीज़ ये मैं मना करूँगा, ये मत लेना, मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत है, उतना बड़ा है 70,000 का, उससे बड़ा एक ऊपर ड्रिजेट कूलर था वो ले लेते हैं, उससे बड़े ये बगल वाला ले लूँगा यार मैं, इससे अच्छा सबसे बेस्ट है, अगर मुझे दिक्कत है तो इसके लिए क्लैंप बनवा के मैं ऊपर उठा लूँगा यार स्टैंड। तो ये कूलर आपको मैं बता रहा हूँ, विंटर वाला पावरफुल डेजर्ट, ये भी आप ले सकते हो, इसको भी आप ले सकते हो, अच्छा है अगर आपको लगता है आपके बजट में तो ले सकते हो, 115 लीटर है, बेडरूम के लिए सबसे मस्त है, सबसे मस्त।
तो ये आपको मैं बता चुका हूँ स्ट्रॉम के बारे में, ये भी आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, और इनको किसी को भी मत टच करना। चलो ये तो चीज़ हो गया ना ख़त्म। आई थिंक हम अपने आखिरी पे थे क्या? नहीं, लार्ज कूलर बचा हुआ है यार। तो देखो लार्ज कूलर आपका ये रहा, लार्ज कूलर है ये, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, मतलब ख़तरनाक बड़े होते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल काम में ज़्यादा आते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे लगानी होगानी है तो प्लीज़ लगाओ। रूम के लिए मत लेना वैसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपको वो जैसे लार्ज रूम में लगाने के लिए डबल डेकर लगा रहे हो ना, उसके जगह ये लगा दो, सबसे बढ़िया है। अगर आप नहीं जाना चाहते हो उसमें तो भाई डबल डेकर 20,000 की है, फालतू है, आप उससे बढ़िया यही लगा सकते हो। 20,000 का ये भी है तो आपके बड़े रूम को ही अकेला ही कवर कर लेगा, एयर फ्लो बहुत ज़बरदस्त है इसकी, तो आप ये लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो, और ये अगर स्टैंड पे लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। बट इसमें आपको पानी भरने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसमें पानी भरोगे तो भाई आराम से आपका ना डेढ़ दिन चलेगा, अगर एकदम लगातार चलाते हो तो। ये अगर वही चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि इतना महंगा ना लगाना पड़े और हमारा ये वाला काम आ जाए, तो मैं जो ये उपाय बताया ना, ये एग्जॉस फैन लगवाओ और टीन के वाले में लगवाओ, अच्छा अच्छा टीन वाला बनवाना, मोटे चद्दर में बनवाना, ख़राब नहीं होगा, एक नंबर चलेगा। तो ये चीज़ें थी यार। तो देखो मेरे को कोई वो नहीं है, मुझे कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं कि मैं तारीफ़ करूँगा। चाहिए जो चीज़ें अच्छी थी, लोग ज़्यादा सैम्फनी के कूलर खरीदते हैं, इसलिए मैंने सैम्फनी के कूलर के बारे में बताया, और मैं वेबसाइट के थ्रू आपको पूरा हर एक एक चीज़ दिखा दिया कि कौन सा कूलर लेने लायक है कौन सा नहीं। आप सीधा सीधा समझ गए होगे, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कूलर कौन से नहीं लेने हैं। टावर कूलर जो आती हैं पतली पतली वाली, वो नहीं लेनी है, उसमें सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग मॉडल ही ले सक लेना अगर लेना होगा तो। विंडो का कोई भी कूलर मत लेना, ठीक है, कि तो बेकार है, वो ख़राब हो जाती हैं, एक सीज़न ही चला पाओगे। और अगर लेना होगा तो आप सिंपली बस एक चीज़ ले सकते हो जो कि आती है डेजर्ट कूलर में। डेजर्ट कूलर में मैंने बता दिया आपको कि 12-13 हज़ार की जितनी आती है वो ले सकते हो, तो सिंपल है, आप मैंने बता दिया है, और क्या कर सकते हैं, इतना ही, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ओवरऑल हमारी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।